चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा लगातार पांचवें दिन भी जारी है। कीमतों का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने का सिलसिला लगातार जारी है। आज यानी कि बुधवार को पेट्रोल की कीमत में तो बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली, लेकिन डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आज भी देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 82 रुपये 26 पैसे आज यानी कि बुधवार को राजधानी दिल्ली में बिक रहा है और यही रेट कल था। और साथ ही डीजल की अगर हम बात करें तो 74 रुपये 35 पैसे आज राजधानी दिल्ली में जो है डीजल बिक रहा है, यानी कि 24 पैसे की बढ़ोतरी के साथ जो डीजल है वो अब 74 रुपये 35 पैसे पहुँच चुका है। जाहिर सी बात है पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और सीधा तौर पर जनता है उसकी जेब पर असर पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में करीब 2.5 रुपए की कटौती जरूर की थी, लेकिन उसके बाद से ही एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के रेट की अगर हम बात करें तो 82 रुपए के आसपास पेट्रोल बना हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो ये रेट 90 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है, यानी कि महाराष्ट्र में 90 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है और वहां पर और ज्यादा लोगों को बजट पर जो है वो असर पड़ रहा है। जाहिर सी बात है पहले से ही केंद्र सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार ने एक बार हाथ भी खड़े कर दिए हैं कि जो कीमतें हैं वो सीधा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे डिपेंड करती हैं, उनके हाथ में कोई भी जो है कीमतों को कंट्रोल करने का जरिया नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक जो है क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल होती हैं और देश में इस तरीके से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं उस पर कुछ रोकथाम लग पाती है। कैमरामैन दीपक के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़।